Assalamualaikum everyone, welcome back to Swabas Ning YouTube channel. कैसे हो आप सब? I hope आप सब ठीक होंगे. So guys, आज हम जा रहे हैं बाहर, हमें छोटे बेबी के लिए कुछ चीज़ें लेनी है और एक उसके लिए हमें ट्रैवलिंग बैग लेना है. तो देखते हैं कैसा मिलता है, तो साथ में आपको भी दिखाऊंगी कि हमने क्या कुछ लिया और आई होप कुछ अच्छा अच्छा मिल जाए. घर से हम सदर के लिए निकल गए थे और बहुत ही प्यारा सा वेदर हो रहा था, शाम में बहुत पुरसकून था सब कुछ. तो हमने सोचा कि चलो चीजियस भी जाएंगे और साथ में हम घूम फिर भी लेंगे, थोड़ा सा जो भी बैग्स वगैरह देखने थे वो देख लेंगे. तो बहुत ही खूबसूरत वहाँ पर फूल लगे हुए थे, तो मैंने सोचा कि ये भी मैं कैप्चर कर लेती हूँ. रास्ते में चलते चलते हमने इसकी थोड़ी सी वीडियो बनाई और वहाँ हम चले गए शॉप पे. यहाँ पे सारे इनके पास ट्रैवलिंग बैग्स थे, लेकिन जो हमारा रिक्वायर्ड बैग था वो तो हमें वहाँ से नहीं मिला. ये सारे कुछ स्कूल बैग्स थे, कुछ ट्रैवलिंग बैग्स थे, बट बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थे. तो हमने सोचा कि चलो कुछ खाते पीते हैं और इंजॉय करते हैं. चीज़ियस का पिज़्ज़ा बहुत ही यमी और बहुत ही चीज़ी था. तो उसके बाद फिर हम घर आ गए. ये मैंने फिर बैग ऑर्डर किया ऑनलाइन, दराज से ही ऑर्डर किया. इसके 5 पीसेज हैं, एक बेबी के लिए है और एक फुल बड़ा बैग है. इसमें बेबी का आप फीडर वगैरह भी डाल सकते हैं और साथ में कुछ भी थोड़ा बहुत अगर लंच डालना हो तो आप वो भी डाल सकते हैं. इसके अंदर ही इसका चेंजिंग मैट भी है और ये सारे 5 पीस इकट्ठे ही मुझे मिले और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में ये मुझे मिल गए थे. ऑलमोस्ट ये 3000 और 500 के मुझे मिले हैं. ये इसका साथ ही छोटू सा चेंजिंग मैट है कि कहीं भी आप बेबी को लिटा के डायपर वगैरह चेंज कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा इसका मटेरियल है, तो आप ये इजीली आप यूज़ कर सकते हैं और ये कभी भी ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह. ये मैंने कुछ बॉटल्स कस्टमाइज़ करवाई थी, इसके ऊपर LED टेम्परेचर भी शो करता है और ये भी मैंने दराज से ही ऑर्डर की थी. इंसुलेटेड हैं ये, बट इसके ऊपर उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आप इसको माइक्रोवेव में नहीं रख सकते हैं क्योंकि इसकी इनसाइड बैटरी है तो वो डेंजरस हो सकता है. ये मैंने अपने नेफ्यू के लिए एक कस्टमाइज़ करवाया था रोपर, ये भी बहुत ही खूबसूरत से मटेरियल में आया है, बहुत ही सॉफ्ट कॉटन में है. इसके ऊपर मैंने अपने छोटे जो हमारा न्यू बॉर्न नेफ्यू है उसके लिए फूफो की जान लिखवाया था, तो ये भी मुझे 1-2 दिन पहले ही रिसीव हुआ. तो मैंने सोचा चलो इसको भी एक वीडियो बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ. गर्मियों में बच्चे ऐसे ड्रेसेस में बहुत ईजी रहते हैं. वहाँ से बस फिर हम घर आ गए थे, हमारी कोई रिक्वायर्ड चीज़ें तो नहीं मिली थी तो सब कुछ मुझे ऑनलाइन ही ऑर्डर करना पड़ा. तो बस शाम में हम कुछ खा पी के मज़े करके वापस आ गए. गाइस, हम आ चुके हैं वापस घर. आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब करें. मिलते हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में. टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. बाय बाय.